राज्यसभा चुनावों की चर्चाएं जोरों पर हैं। 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। यूपी के कोटे की राज्यसभा की 10 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला है। 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से बीजेपी के 8 और सपा की तरफ से 3 उम्मीदवार शामिल हैं। सीटों की गणित के मुताबिक सपा को अपना तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 4 वोटों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जबकि बीजेपी को अपना 8वां प्रत्याशी जीतने के लिए 9 वोटों की जरूरत होगी। दोनों ही पार्टियों के लिए एक एक वोट की काफी अहमियत है। यूपी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके पास 252 का आंकड़ा है। बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस के पास 13, रालोद के पास 9, निषाद के पास 6 और सुभा सपा के पास 6 विधायक है। सपा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 108 विधायक हैं। सपा के सहयोगी कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। इसके अलावा विधानसभा में जनसत्ता दल के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। यूपी में 2 साल बाद राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से 1 सीट के लिए 37 विधायकों की जरूरत है। इसके हिसाब से बीजेपी को 7 सीटों के लिए 259 और सपा को 3 सीटों के लिए 111 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी सुभा सपा के पास इस समय 6 विधायक हैं, जिसमें से 1 विधायक अब्बास अंसारी अभी जेल में हैं। अगर जेल से निकलकर अब्बास अंसारी बीजेपी के फेवर में वोट देते हैं तो उनकी जीत थोड़ी और आसान हो जाएगी। बीजेपी को अपने 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 296 वोटों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास राजा भैया के दोनों वोट मिलाकर भी 287 मत है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी पार्टी अपने अंतिम चरण में बाजी मार ले जाती है।